जी तो बिस्मिल्लाह करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन जी। आज हमने बात करनी है टाइप्स ऑफ फंक्शंस पे। फंक्शन जी सर। कितने टाइप्स के होते हैं? सर एक सेकंड, ये फंक्शन जी सर, लीनियर फंक्शन वगैरह ये वाले फंक्शंस में आएंगे ना, बिल्कुल टाइप्स, बिल्कुल कांस्टेंट फंक्शंस। बिल्कुल। तो पहली टाइप इसकी है जी कांस्टेंट फंक्शन। पहले टाइप क्या है? जी कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट के बारे में ये बता दूं कि कांस्टेंट फंक्शन ऐसा होगा कि जी जिसकी वैल्यू किसी कांस्टेंट के बराबर होगी, जिसकी वैल्यू ऐसी होगी जो चेंज नहीं होगी। जी कांस्टेंट्स कैसे हैं? जैसे 1 एक कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, जी 5 कांस्टेंट है, 100 कांस्टेंट है। तो ऐसी सूरत में आप ये बताएंगे कि y इज इक्वल टू एफ एफ एक्स होगा, लेकिन एफ एफ एक्स की वैल्यू कोई कांस्टेंट होगी। इसको हम जनरली कैसे जाहिर करते हैं? हम लिखते हैं एफ एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट। ए नॉट का मतलब है कि यहाँ x की कोई टर्म इन्वॉल्व नहीं होगी, ए नॉट आपके पास कांस्टेंट टर्म होगी। जी ठीक है, अब आप फंक्शन की जो मर्जी वैल्यू रख लें। फॉर एग्जांपल इस ऊपर वाले फंक्शन में मैं अगर 0 पुट कर देता हूँ, क्योंकि वहाँ एक्स नहीं है, तो आंसर 4 ही आएगा। अगर आप 1 पुट करेंगे तब भी 4, 2 पुट करेंगे तब भी 4, 3 पुट करते हैं तब भी 4। तो आप जो भी वैल्यू रख रहे हैं आपका रिजल्ट क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो एक्स जी की जो भी वैल्यू रखें अगर आंसर सेम आ जाए तो ये कॉन्स्टेंट फंक्शन होगा। ठीक अंडरस्टैंड है किया इस बात को आप? जी सर। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है जी? लीनियर फंक्शन। इसके लीनियर बारे में फंक्शन हमने बड़ी डिटेल से पढ़ा है, शुरू से हम इसी चैप्टर को में और इससे प्रीवियस चैप्टर्स में इन्हीं को पढ़ रहे हैं जी कि सर। लीनियर फंक्शन को कैसे लिखेंगे। ऐसी सूरत में वाई इज इक्वल टू एफ एफ एक्स होगा, या फिर इसे इस तरह लिखते हैं क्या, ए वन एक्स प्लस ए नॉट। इसका मतलब इसमें एक टर्म कांस्टेंट होगी और एक टर्म के साथ वेरिएबल भी होगा एक्स। ठीक है, और जैसे आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मेट थी तो उससे मिलती जुलती वो फॉर्मेट जी होगी वाई इज इक्वल टू एफ एफ एक्स। ऐसी सूरत में एक्स की जो हाईएस्ट पावर होगी वो कितनी होगी? वन या वन ज्यादा होगी। इसीलिए इसे कहते हैं कि ये टू लीनियर फंक्शन है। कौन से फंक्शन है? लीनियर फंक्शन। ठीक है, लीनियर फंक्शंस की खास पहचान क्या है? लीनियर फंक्शंस की खास पहचान ये है कि जो ग्राफ होगा वो इस पे स्ट्रेट लाइन होगा। जी सर, जब भी इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे क्या होगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। स्ट्रेट लाइन होगा जी ठीक हो गया। सर। आगे चलते हैं, क्वाड्रेटिक फंक्शन कौन सा होता है? कहते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन इज वन ऑफ द फॉर्म दिस। वन फॉर्म ये इस शक्ल कभी भी हो सकता है कि पहली टर्म स्क्वायर वाली हो, फिर एक्स, फिर कांस्टेंट, या फिर हम इसको ऐसे लिखते हैं कि वाई इज इक्वल टू ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स प्लस ए नॉट। यानी ए टू एक्स स्क्वायर फिर ए वन एक्स फिर ए नॉट। तो आप देख रहे हैं कि ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें स्केयर वाली टर्म भी है, लीनियर टर्म भी है और कांस्टेंट भी है। तो आप देख रहे हैं कि जिसमें लीनियर टर्म भी हो, स्केयर भी हो और कांस्टेंट कांस्टेंट भी भी हो, तो ऐसी सूरत में ये जो फंक्शन है इसे हम कहेंगे कि ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। क्वाड्रेटिक फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? क्वाड्रेटिक फंक्शन तो इसका ग्राफ भी आपको डायग्राम में दिखाया गया कि इसका ग्राफ ग्राफ जो भी होगा वो एक कर्व होगी। ठीक है, अगर क्वाड्रेटिक जी फंक्शन है तो अमूमन इसकी जो कर्व होती है उसका नाम होता है पैराबोला। ठीक है। पहला क्या नाम होगा? बोला हाँ जी। अब पहचान क्या याद रखी, कांस्टेंट में एक्स की पावर कितनी होती है? जीरो ठीक है, और लीनियर में कितनी होती है?
लीनियर में होती है 1, और क्वाड्रेटिक में कितनी होती है? क्वाड्रेटिक में 2, कितनी किस्म के फंक्शन पढ़ लिए हमने? 3 तरह को। चलिए आप देखें नेक्स्ट पॉलीनोमियल फंक्शन कौन सा। तो पॉलीनोमियल नाम से जाहिर है पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, नॉमिल कहते हैं टर्म्स को, तो जिसमें बहुत सारे टर्म्स हो उसके फंक्शन को पॉलीनोमियल कहेंगे। तो इसके एग्जांपल क्या है कि इसे आप कैसे लिखेंगे, ए एन एक्स नॉट, ए एन एक्स एन, ये इसकी पहली टर्म है। फिर यहाँ पर एक कम हो गई, पावर में भी एक की कमी, यहाँ पर एक की और कमी, पावर में भी एक की कमी, ये एन माइनस टू पावर में है, और चलते रहेंगे पावर रिड्यूस होते होते आखिरी पावर जो होगी उसमें एक्स नहीं होगा, यानी एक्स की पावर जीरो होगी। जी एक एग्जांपल देखें, फर्ज करने हैं कि अगर आप डिग्री फोर वाली इक्वेशन लेते हैं तो क्या है, एक्स फोर है प्लस थ्री एक्स क्यूब है प्लस फाइव एक्स स्क्वायर है और प्लस फोर एक्स है और प्लस सेवन, इस तरह से कुछ है। तो आप देख रहे हैं कि लास्ट टर्म है इसमें x की पावर कुछ नहीं मौजूद, तो इसका मतलब जीरो होगी। अगली टर्म जो है उसमें x की पावर वन है, जी। फिर x की पावर टू है, फिर थ्री है, फिर फोर है, और ये सिलसिला चलता रहेगा। कहाँ तक जाता है x? x रेज़ टू द पावर n तक जा सकता है। तो इसलिए इसे कहते हैं कि ये कौन सा फंक्शन है, एक पॉलीनोमियल फंक्शन। ठीक है, पॉलीनोमियल का मतलब इसमें बहुत सारे टर्म्स हैं, बहुत सारे टर्म्स। आगे बढ़े, लेकिन इसमें दो शराइत होती हैं। जब भी आप पॉलीनोमियल फंक्शन लेंगे तो यहाँ दो बातें आपने याद रखनी है, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या? इट इन्वॉल्व्स ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर। जी, जो भी पॉलीनोमियल होगी, पॉलीनोमियल में एक्स की पावर या तो पॉजिटिव हो सकती है या जीरो हो सकती है, कभी भी नेगेटिव पावर नहीं होगी। जहाँ नेगेटिव पावर होगी वो पॉलीनोमियल नहीं होगी। ये ख्याल, x की पावर 0 होगी या 1? 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4, 100 हो सकती है, 1000 हो सकती है, पॉजिटिव पावर होगी, नेगेटिव पावर नहीं होगी। ठीक है सर। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ लिखता हूँ 1 प्लस एक्स रेज़ टू द पावर माइनस 2, या मैं लिखता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। तो आप कहेंगे कि दोनों पॉलीनोमियल्स नहीं है। पहले वाली पॉलीनोमियल इसलिए नहीं है कि वहां जो एक्स की पावर है वो नेगेटिव है, वो नेगेटिव। और दूसरी वाली इसलिए नहीं कि अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये दरअसल पावर 1/2 बन जाएगी। तो पावर फ्रैक्शन में नहीं हो सकती और पावर माइनस में नहीं हो सकती। अगर माइनस में पावर आ गई और फ्रैक्शन में आ गई तो पॉलीनोमियल नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। ठीक है, अगला है क्या? रैशनल क्यूबिक रैशनल, रैशनल फंक्शन सर। रैशनल नजर आ रही स्लाइड आपको? जी सर। ये नेक्स्ट है, पॉलीनोमियल ही आ रहा है जी। तो इसमें दरअसल क्या है, इसमें दरअसल दो पॉलीनोमियल्स का कॉम्बिनेशन होगा। रैशनल क्या होता है? दो पॉलीनोमियल्स का कॉम्बिनेशन। ये देखिए, रैशनल फ्रैक्शंस जो हैं किसके बराबर लिखा है, f(x) = f(x) = 1 px divided by qx। तो आप गौर से देखें कि ऊपर वाली भी एक पॉलीनोमियल है जी, और नीचे वाली टर्म भी एक पॉलीनोमियल है जी। अगर दोनों पॉलीनोमियल्स हों और उसको आप ओवर की फॉर्मेट में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्मेट में लिखेंगे, तो ऐसी सूरत में ये भी एक रैशनल पॉलीनोमियल होगा। जैसे ठीक है, इसे रैशनल फॉर्म में लिखा रहा आपने, ये रैशनल फॉर्म में लिखी है, ठीक है, ऊपर भी पॉलीनोमियल है नीचे, ये भी देखें ऊपर भी पॉलीनोमियल नीचे भी, ये ऊपर भी पॉलीनोमियल है। लेकिन वो स्क्वायर में आ रहा है, लेकिन अच्छा ठीक है, पॉजिटिव है तो पॉलीनोमियल होगा। ठीक है, तो ये पॉलीनोमियल है। मुश्किल तो नहीं लग रहे? नहीं सर। आगे देखेंगे, डायरेक्ट हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज में क्या कहा गया, कहते हैं इन द फॉलोइंग एक्सप्रेस फॉलोइंग, तो इसमें एक्सप्रेस करें क्लासिफाई इफ पॉसिबल। आप क्लासिफाई करें अगर मुमकिन है, ईच फंक्शन बाय टाइप, हर फंक्शन की बताएं टाइप कौन सी। ये कितनी टाइप पढ़ी है आपने अभी सर? 4। ये कौन सा सर? पहला पढ़ा था कांस्टेंट, लीनियर, कांस्टेंट को मैं सी से पॉलीनोमियल,
लीनियर को मैं एल से जाहिर कर देता हूँ और पॉलिनोमियल को है पी से जाहिर कर देता हूँ और क्या है जी जी सर क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक है पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक को क्यूब क्यू से नहीं जाहिर पढ़ा करना है और रैशनल पॉलिनोमियल उसको आर से जाहिर कर दो सर क्यूब भी है यहाँ पर एक हाँ क्यूबिक भी क्यूबिक देखो क्यूबिक में पावर 3 हो जाएगी जी क्यूबिक में सी डाल दें ठीक है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने इनमें से बताना है क्या है अब जरा पहले वाला क्वेश्चन देख लेते हैं जी सर जी क्या लिखा रहे हैं fx is equal to 2x टू रेस टू दी पावर एक्स ठीक है जी तो ये दो की पावर एक्स जी लिखा ना तो टू रेस टू दी पावर एक्स जी का मतलब क्या है ये इन वन सब टू की क्या पावर वन लीनियर नो वन तो है नहीं टू की पावर एक्स सर एक्स तो वन के बराबर होगा ना एक्स वन के बराबर नहीं होगा पॉलीनोमियल तो जो है वो शक्लॉर है ना वो सिर्फ एक्स होता है ये जी टू दो की पावर एक्स है तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये इनमें से कोई भी नहीं है जी इनमें से कोई भी नहीं है तीसरा देखें क्या लिखा है एक्स सर माइनस इसके आगे फाइव क्या लिखूं ठीक है ये इनमें से कोई भी नहीं है ठीक है सर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपके कोर्स में अभी आया सर नहीं जी उन्होंने ये बताया कि ये इसमें से बताएं कांस्टेंट कौन सा है लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिकल पॉलीनोमियल और रैशनल ठीक है सर दूसरा ये पूछा है दूसरा ये कांस्टेंट पूछा है तीसरा ये पूछा है चौथा ये पूछा है पांचवा और छः छः टाइप्स पूछनी है छः में से है तो ठीक नहीं तो छोड़ दो दूसरा कांस्टेंट है ठीक है जी तीसरा सर देखें एक्स माइनस फाइव डिवाइड बाई दिस तो एक्स की पावर कितनी है यहाँ पे वन सर ये वन लीनियर लीनियर हो जाएगा सिंपल नेक्स्ट देखें जी एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी सर फाइव ये तो क्या होगा इसकी पावर टू है क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक हो जाएगा लेकिन सर जी एक्स की पावर कितना है टू है ना तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा टू इससे है एक्स स्क्वायर है ना जी सर अच्छा नेक्स्ट देखें टू एक्स पाँचवा सही कांस्टेंट हाँ जी पावर जीरो है ना तो ये कांस्टेंट फंक्शन है ठीक जी है चौथा छठा देखें कांस्टेंट फंक्शन छठा क्या है सिर्फ जी फाइव एक्स है ना हाँ जी एक्स एक्स पावर फाइव है फिर टू सिर्फ एक्स क्यूब है पॉलीनोमियल जी ये पॉलीनोमियल होगा छठा ये पॉलीनोमियल हो जाएगा जी ठीक है ये कांस्टेंट जी फंक्शन था आगे सातवां जी देखें सर ये सर दो का कॉम्बिनेशन है ये 10 माइनस एक्स ओवर फोर है ना 10 को तो सोचिए ना एक्स ओवर फोर है एक्स यहाँ पावर वन होगी तो ये लीनियर हो जाएगा जी लीनियर आठवां देखिए जी 8 10 की पावर 10 ओवर x कांस्टेंट 10 ओवर एक्स है ना तो आपको पता है कि ये एक्स जी पटे में आ गया ना तो ये रैशनल है रैशनल नेशनल पॉलीनोमियल ठीक है जी आगे चलेंगे ग्यारहवां देखिए सर 9 हाँ नौ देखें जी log 10 x x की पावर 1 लीनियर हाँ इनमें से कोई भी नहीं है नहीं लॉग है टेन एक्स है ना लॉग वाला फंक्शन तो एक्सपोनेंशियल है ही नहीं हमने पढ़ा ही नहीं हमने तो उसने पूछा है जी कांस्टेंट लीनियर पॉलीनोमियल क्वाड्रेटिक रैशनल क्यूबिक जी लॉगरिथम वाला पूछा है नहीं उसने पूछा है उसने तो नहीं सर इनवैलिड हो गया ना ये इनमें से कोई नहीं है दसवां देखें जी x4 - 5x2 × x6 + 5 जी क्या हो रहा है यहाँ ये पॉलीनोमियल जी दो पॉलीनोमियल फंक्शन है दो कौन से हैं जी पॉलीनोमियल फंक्शन पॉलीनोमियल फंक्शन जी ये कोई मुश्किल तो नहीं लग रहा आपको -5 नहीं सर जी आगे -25/5 जी जी मैं यहाँ माइनस से ट्वेंटी फाइव रिमूव ओवर हुआ है 5 लिखा हुआ है स्केयर में तो हाँ जी यहाँ पर रिमूव हुआ है उधर हाँ इधर मेरे पास बाद भी में रिमूव हुआ चलें आगे जी चलें कोई नहीं 14 है fu = 5u - 3 ठीक है इसकी पावर जीरो कांस्टेंट हाँ जी जैसे पावर जीरो हो जाएगी वो कांस्टेंट हो जाएगा जी ठीक है हो जाएंगे कांस्टेंट सारे ये कोई लग रहा है मुश्किल जी जी सर नहीं हो जाएंगे तो आपने इसी तरह बाकी सबको ट्राई करना है किसी भी मसला आए तो फिर देखें
अच्छा जब ये आप क्रॉस करेंगे ना यहाँ से आगे, जैसे 27 है, ठीक है, अब इसमें क्या कहता है, गिवन द जनरल फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फंक्शन स्टेटेड बाय द इक्वेशन 4.8, गिवन द डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज फॉर दिस फंक्शन, ठीक है जी। तो पीछे इक्वेशन दी है 4.8, तो किस पेज पे ये 4.8 दी है, पेज नंबर 156 पे। जी ठीक है, अब इसमें कहता है ये एक रैशनल फंक्शन है, तो इसमें अगर आप क्वेश्चन देखें तो कहता है 4.8 पर हम जल्दी पहुंचते हैं, तो क्वेश्चन हमें ये मिलता है। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, तो आपने स्लाइड चेंज की है? नहीं, उसी वहीं पर है जी, मैं वहीं लिख रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है जनरल फॉर्म ये दी है 4.8 की, तो इसमें y किसके इक्वल है, y इज इक्वल टू f x, और ये वैल्यू दी है 2x ओवर 5x क्यूब माइनस 2x और प्लस 10। अब वो कहता है कि इसकी बताएं डोमेन और रेंज क्या हो, ठीक है। डोमेन मैंने आपको कल सिखाया था डिटेल से कि डोमेन वो वैल्यूज होती हैं जो आप इसकी कंटेन कर सकते हैं, टेक अप कर सकते हैं, और रेंज वो होता है जो डोमेन पुट करने पर आंसर आता है वो इसकी रेंज होती है। जी, सिंपल सी बात। तो याद रखें कि ये ऐसा फंक्शन है ये जो कहीं भी जीरो नहीं होगा, जो ऐसा फंक्शन है जो किसी भी वैल्यू पुट करने पर जीरो नहीं होगा, लिहाजा हम इसके डोमेन में क्या जब हम बात करेंगे इसकी डोमेन की तो कहेंगे डोमेन में हम इसकी तमाम के तमाम रियल नंबर रख सकते हैं, तो इसके डोमेन में क्या हो जाएगा तमाम के तमाम रियल नंबर, ऑल रियल नंबर्स, और जो रेंज है जो बस यही कहा है डिटरमिनेंट डोमेन, अगर रेंज पूछी है तो रेंज बता देंगे, रेंज भी यही निकलेगी हो जाएगा जी। अच्छा आगे 28वां देखिए, कहता है टोटल प्रॉफिट फ्रॉम द पेंटिंग x acres a form is expressed by the function this, ठीक है, ये प्रॉफिट लिया गया है प्लांट करने का, कहीं प्लांटेशन की गई है और प्रॉफिट का फार्मूला दिया है, प्रॉफिट का फार्मूला c ब्रैकेट में x1 x2 x3 है, 500 x1 650 x2 और 450 x3 तक ये दिया है। अभी तो व्हाट इज द प्रॉफिट इफ 200 acres आर प्लांटेड इन द फार्मर, यहां पे आप 200 प्लांट कर दो, यहीं पे देखिए ना मैं सॉल्व, व्हाट इज जी ये पहला फॉर्म है ना, इसमें x1 की जगह 200 डाल दो, आगे चलिए फॉर्म की जगह फॉर्म 1 250 एकर्स इन द फॉर्म 2, और ये जो फॉर्म 2 है ना प्लस डालें यहां 604 जी x2 जी सर 250 x2 जी नहीं सर 200, ये 250 है ना दूसरा, पहले फॉर्म में जी जी 200 थे, दूसरे में 250 है, वाह नहीं दूसरे में 150 है, नहीं तीसरे में वो ठीक है, ये फॉर्म 2 में एड 150 एकर्स एट द फॉर्म 3, और जो तीसरा फॉर्म है यहां यहां कितना है 150, और जो सबका आंसर आएगा उसमें से 9s कर देना 3 लाख जी सर। तो ये आपको प्रॉफिट का फार्मूला दिया हुआ है कि पहले पहली जगह पे 200 एकड़ प्लांट हुए, आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं जो भी आंसर आता है, इस तरह दूसरे में 250, तीसरे में 150, आप इनको मल्टीप्लाई करके रिजल्ट निकाले और रिजल्ट में से 300,000 माइनस करते हैं, ठीक है, वही आंसर हो जाएगा ये जी सर। नहीं सिंपल है या मुश्किल है, हो जाएगा सर जी, हो जाएगा। आगे देखिए व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट ऑफ 500, 300 and 700 एकड़ प्लांटेड, अब वो कहते हैं क्वेश्चन को चेंज करें, अगर हम ऐसा करें कि पहली वाली जगह पे कितने डाल दें 500, दूसरी जगह 300, तीसरी जगह 300 700, कैसे प्रॉफिट निकलेगा, और सर माइनस कर देंगे 3 लाख से, हां माइनस तो हो जाएगा 3 लाख करना है। अब वो कहता है यहां पर क्या है, पहले में फार्मूले में क्या था 500 into 500 जी, फिर दूसरे में क्या आ जाएगा 650, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 300 से, और तीसरे फॉर्म में कितना है 450
इनटू 700 और फिर माइनस कर देना है आपने 3 लाख। तो इसको कैलकुलेट करके बड़ी आसानी के साथ आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं जी सर। 500 मल्टीप्लाई बाय नहीं सर 525 वो आप कैलकुलेटर से कर लेंगे ना और आंसर वगैरह के पहले कर लीजिए वो मसला। फिर कहते हैं आइडेंटिफाई वन कॉम्बिनेशन ऑफ द प्लांट व्हिच वुड रिजल्ट इन द प्रॉफिट इक्वेटिंग जीरो। ठीक है जीरो। वो कहते हैं एक ऐसा रिलेशन भी बता दें, एक ऐसा रिलेशन भी बता दें कि हमारा प्रॉफिट जीरो हो जाए। जी प्रॉफिट क्या हो जाए? जीरो पुट करेंगे जीरो हो होगा। प्रॉफिट उस वक्त जीरो होगा कि जब आप यहाँ x1 x2 x3 इनकी जगह ऐसी वैल्यूज पुट कर दें, मुख्तलिफ ऐसी वैल्यूज पुट कर दें जिन सब को प्लस करें तो 3 लाख बन जाए, क्योंकि इन सब को प्लस करें 3 लाख आना चाहिए और माइनस 3 लाख है, 3 लाख माइनस 3 लाख आंसर क्या आ जाएगा? जीरो। तो प्रॉफिट जीरो हो जाएगा अगर हम कुछ खास फॉर्म्स की तादाद कुछ फॉर्म जो है ना फॉर्म्स के कुछ खास प्लांट्स जो हैं वो उस तरतीब से लगाएँ। इस सूरत में क्या होना चाहिए, ये तीनों का जो सम है ना ये 3 लाख आना चाहिए। ठीक है अब यहाँ पर अब ऊपर देख लेंगे थोड़ी सी जगह यहाँ पड़ी जमा कर देता हूँ। कितना है ये पहले फार्मूले में गया 500 जी, आगे जगह खाली है हमें नहीं पता कि हमने कितने पुट करना है। आगे क्या है जी? 650 ये भी जगह खाली पड़ी है जितने मर्जी प्लांट्स लगा दें। फिर कितना है आगे फार्मूले में? 450 माइनस 3 लाख 450 को किससे मल्टीप्लाई करें? अब इन तीनों को ऐड करें ना आंसर आना चाहिए 3 लाख। इन तीनों को ऐड करें तो आंसर क्या आना चाहिए? 3 लाख। तो इनकी जगह मुख्तलिफ नंबर 3 लाख ठीक है आपके पास चॉइस है। अब फर्ज कर लें 3 लाख बनाना है आपको तो ये है 650 जी, यहाँ लगा देंगे आप 450 इनको ऐड करें आंसर क्या आएगा? 0 0 0 650 20 मल्टीप्लाई बाय 2400 जी जी कितनी क्वांटिटी आ गई? 2,62,000 जी। सो 650 मल्टीप्लाई बाय 400 करना ना, जितने मर्जी लगा दें आप ये पौधे अपने मर्जी से लगाएंगे हर फॉर्म में जी, बस ये अगर प्रॉफिट जीरो सर 26 लाख आ रहा है। 26 लाख नहीं 26 लाख नहीं ना 2,62,000 है जी सर। मैंने कैलकुलेट किया था 650 मल्टीप्लाई बाय 400 650 है ना मल्टीप्लाई 400 करें देखें क्या आता है। 26 लाख मल्टीप्लाई करके दोबारा देखें मुझे लग रहा है कम होना चाहिए, मेरा ख्याल है कि 2,60,000 आएगा। 0 0 0 4 5 20 दो कैरी करेंगे 24 और 2 30 2,60,000 आता है ठीक है ना। अब ये है 450 इसके भी कितने पौधे लगाने हैं आपकी मर्जी जितने मर्जी पौधे इसमें अफर्स कर लेंगे यहाँ हम 10 पौधे लगा रहे हैं या कितने सर 10 पे तो 4500 होगा ना हमारा 2,60,000 है अभी पहले मौजूद है ठीक। तो यहाँ आप लगा लें कितने 4500 चलें ये फर्स्ट कर लें यहाँ रख लेते हैं जी 4500 चलो 10 पौधे का लगा रहा हूँ तो ये कितना हो जाएगा 9000 अपना कितना 4500 ठीक है अभी कितना रह गया देखिए 2,60,000 ये था जी सर 4500 ये हो गया 4500 2,64,500 आ रहा है 2,64,500 बाकी कितना रह गया डिफरेंस 35,500 जी सर
इसको आप तकसीम कर दें इस पे क्योंकि 70 पौधे बनेंगे, तो आप 70 पौधे पहले फॉर्म पे लगा दें, 400 पौधे दूसरे फॉर्म पे और 10 पौधे तीसरे फॉर्म पे, इनको आप ऐड करेंगे टोटल 3 लाख आ जाएगा, 3 लाख में 3 लाख आने से आपको पौधे दिए आपको क्लियर है। ये मुश्किल है नहीं, ये अपनी मर्जी की वैल्यू हमने दी है, आप इसके अलावा कोई और वैल्यू भी ले सकते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लें, इसके अलावा कोई और वैल्यू कोई भी आपके पास चॉइस है ना, जितने मर्जी क्लास लगा लें जी, बस प्रॉफिट आपने की जरूरत है। चलें आगे जी, ठीक है, इसी तरह 33 क्वेश्चन देखें। 33 मतलब प्रॉफिट फंक्शन जी, हाँ जी, अब इसमें कहते हैं प्रॉफिट फंक्शन, क्वेश्चंस तकरीबन एक जैसे हैं, ये बीच में से कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, आपको पैटर्न पता लग गया जी, ताकि हाथ ना लगे। कहते हैं व्हाट इज द प्रॉफिट फंक्शन फॉर द फॉर इज, अब प्रॉफिट फंक्शन का फॉर्मूला दिया है, तो इसमें क्या कहते हैं व्हाट क्लास ऑफ द फंक्शन इज दिस, हाँ जी बताएं ये कौन सी क्लास है, फंक्शंस में से बताना है सर। हाँ देखिए ना, ये आपको कौन सी क्लास लग रही है, आपने 6 क्लासेस पढ़ी है ना, तो उन 6 क्लासेस में से कौन सी टाइप है सर? ये मुझे क्वाड्रेटिक लग रही है। क्वाड्रेटिक, सिंपल क्वाड्रेटिक, बिल्कुल क्वाड्रेटिक जी। ओके, व्हाट इज द प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इक्वल, ठीक है, एक्सपेक्टेड टू इक्वल जी 1500 यूनिट चार्ज सोल्ड, कहते हैं ये बताएं प्रॉफिट कितने इक्वल होगा, कितना होगा 1500 यूनिट्स ऑफ सोल्ड, 1500 यूनिट से जी, तो फार्मूले में आप 1500 पुट कर दें, कैन जी सर, यहां क्या हो जाएगा 1500 का स्क्वायर प्लस 36000 टाइम्स जी, यहां 1500 और माइनस 45000 टाइम्स 10 मल्टीप्लाई बाय 1500, पहले आप लेंगे 1500 का स्क्वायर जी, ठीक है, 1500 का स्क्वायर आगे होंगे 4 0 और एक टाइम से ये मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 0 आ रहा है, ये आ गया मल्टीप्लाई बटन जी, अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें 1 2 3 4 5 जीरोस 90 6 कैरी करेंगे 36 माइनस 45 या 45 हो जाएगा, तो अब आपने क्या करना है 45,000 और इसको ऐड कर देना और इसमें से माइनस कर देना, ठीक है सर, यानी इस ये नेगेटिव क्वांटिटी है और ये भी नेगेटिव क्वांटिटी, इन दोनों को ऐड कर लें और इसमें जी माइनस हो जाएगा, मुश्किल है नहीं सर, हो जाएगा। तो ये सिंपल क्वेश्चंस हैं, तो इसमें कुछ मैं फिर बता दूं कि कुछ क्वेश्चन हमारे पास सिंपल होंगे, कुछ क्वाड्रेटिक होंगे, तो जस्ट उनको हमने कंबाइन कर दिया है और आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है सर, फिर भी आप करेंगे जो मसला होगा उनसे डिस्कस करेंगे आगे, देखते हैं ओके सर, आगे लास्ट टाइप है, इसमें क्या कहता है, कहता है आपको फंक्शंस दिए गए हैं, बाद में आपने फंक्शंस को कंबाइन करना है, फॉर एग्जांपल यहां देखते हैं 37 में, तो यहां आपको 37 एक f(x) दिया हुआ है, एक g(x) दिया हुआ है, कहता है डिटरमिन f(x) + g(x) ये दोनों को ऐड करें, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करें एंड दोनों को डिवाइड करें जी, ठीक है, एक इस तरह का क्वेश्चन देखते हैं f(x) को जी सर, और एक ये 41 देखें, एक ये है सर, ये ऊपर जो 47 है इसमें उन्होंने पहले हमें दिया हुआ है कि जो वैल्यूज दी हुई है उनको पहले मल्टीप्लाई करें फिर उन्हीं वैल्यूज को फिर पहले ऐड करें फिर मल्टीप्लाई करें फिर डिवाइड करें, हम ये दो क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि दोनों टाइप हमें समझ आ जाए, ठीक है, मैं ये जरा जा रहा हूँ दूसरी स्क्रीन पर, अगर ये स्क्रीन शेयर ना हो तो मुझे फौरन बताना है, क्योंकि कल भी मुझे अच्छा नहीं लगा था स्क्रीन शेयर नहीं हुई, तो आई एम शेयरिंग द स्क्रीन, तो आर्टिकल था 4.2 जी, देखें स्क्रीन शेयर हुई आपके साथ? नहीं सर जी, आ गई है, तो सेक्शन 4.2 लिखा हुआ है उस पे जी। चलो अब मैं वो जो प्रीवियस क्वेश्चंस थे ना,
आप हम उनको थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि हमें जरा कॉन्सेप्ट उसके क्लियर हो जाए कि उसमें क्या पूछ रहा है हमसे। जी तो देखिए जरा क्या बात बताई है उसने हमें। Given fx is equal to x square minus 3 and gx is equal to 10 minus 2x. तो यहाँ एक बात उसने ये बताई है आपको कि 37 क्वेश्चन में fx है जरा बोलिएगा क्या है x square minus 3 x square minus 3 and gx 10 minus 2x. हाँ जी तो पहली चीज जो रिक्वायर्ड है वो क्या है कहते हैं आप fx plus gx वेरी सिंपल आपने इन दोनों को ऐड कर देना है तरतीब लगाएं इसको और 7 आ गया सिंपल बस जी बस इतना ही है सर। हाँ जी बस सिंपल fx times gx दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करें मल्टीप्लाई करना x square minus 3 into 3 x square 10x square इन सब से मल्टीप्लाई करेंगे जी सर। तो यहाँ क्या आ जाएगा 10x square 2x cube minus 3x 30 6x ये आ जाएगा माइनस टू एक्स क्यूब प्लस 10x स्क्वायर 6x और माइनस 30 सिंपल है जी। इसी तरह डिवाइड करना सी पार्ट देखें क्या कहता है कहते हैं कि fx है अगर क्वेश्चन देख लें fx डिवाइडेड बाय gx जी तो यहां fx क्या था x स्क्वायर माइनस 3 divided by 10 minus 2x ऐसे लिख दें तो भी ठीक है चाहें तो आप इसे डिवाइड कर दें जी तो 10 minus 2x यहां 2 से मल्टीप्लाई करते हैं क्या आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई मतलब डिवीजन कर सकते हैं इसको अंदर रखते हैं इसको डिवाइड ठीक है कुछ कॉमन ले लें बाहर निकाल लें सिंपलीफाई कर लें ऐसे कर लें ना ये इसमें से 2 कॉमन ले लें और ये माइनस 2 कॉमन ले लें ये x स्क्वायर माइनस 3 आएगा और अंदर क्या आ रहा है यू विल गेट x माइनस 5 अब जरा थोड़ा फायदा हो जाएगा मल्टीप्लाई करने से कॉम्प्लेक्स लगेगा अब फायदा हो गया ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 5 साइन चेंज कर देंगे कैंसिल जी 2x आ जाएगा ये 2x minus 10 तो ये साइन चेंज कर देंगे 10 रह जाएगा तो आ जाएगा minus 1 by 2 आप कहेंगे x plus 2 और प्लस नीचे क्या रहेगा 10 ओवर आ जाएगा x minus 10 तो इस प्लस ठीक है ये मुश्किल है इसी तरह आगे देखें 44 44 है जी गिवन है y is equal to g into u is equal to g y और h दिए हुए हैं तो इसमें क्या कहते हैं कि आप g of h x फाइंड करें यानी पहला पार्ट क्या है g of h x अब g of h x का मतलब आपको g और h चाहिए पहले देखें g क्या दिया हुआ है तो 44 कह रहे हैं आप 43 पता है 44 जो मर्जी कर लें आपके पास ठीक है सर 44 का है 43 का है 44 ही कहा था सर मैं क्वेश्चन पूछ रही थी 44 में ही कि कैसे लिखा आपने ये देखें इसमें y u और h दिए हैं डिटरमाइन करना है g और h जी पावर है 2
और एच कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है जी। वो कहता है जी ऑफ एक्स एच ऑफ एक्स लें, इसका मतलब ये होगा कि आप जी वाले फंक्शन में इसको ले लें, ये ले लीजिए जी वाला फंक्शन, इसको लिख लें, लेकिन इसमें जहाँ यू है वो नहीं लिखना आपने, यू नहीं लिखना, क्योंकि फंक्शन में है जी ऑफ एच ऑफ एक्स, इसका मतलब जहाँ जी में यू है वहाँ वहाँ आपने एच डाल दिया, तो यू कहाँ है, यहाँ एक ही यू है, इसकी जगह आप एच वाले फंक्शन की वैल्यू लिखते हैं, इसको सिंपलीफाई करेंगे x स्क्वायर माइनस 4 होल स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा जी, सिंपल है। अच्छा नेक्स्ट देखें इसी में और क्या कहा था, बी पार्ट में जी, बी पार्ट में क्या है, जी ऑफ इनटू एच इनटू 5, जी ऑफ एच ऑफ 5, यानी वहां पे रुकना नहीं है आपने, अब आप एच ऑफ 5 भी लें, यानी ये और जी ऑफ एच ऑफ एक्स आ गया, उसमें जहाँ जहाँ x नजर आता है वहाँ 5 पुट कर दें, तो ये कितना हो जाएगा 25 माइनस 4, तो ये रह गया 21, 21 स्क्वायर, तो 21 का 441, कैलकुलेटर से चेक कर लीजिए क्या कैलकुलेशन मतलब यही है। फिर क्या कहता है जी, फिर वो कहता है कि एक और काम ये करें, जी ऑफ एच ऑफ माइनस 3 भी फाइंड करें, वेरी सिंपल, अब आपने क्या करना है, यहाँ माइनस 3 का स्केयर लेना है 4, तो माइनस 3 का स्केयर कितना होता है प्लस 9, जी सर 9 में से 4 माइनस करें 5 स्केयर देंगे 25 आ जाएंगे, 25 जी, ठीक है, मुश्किल तो नहीं लग रहा ये, नहीं सर, मैं तो ये समझता हूँ कि थोड़ी सी अगर हिम्मत करेंगे तो बहुत ही सिंपल है जी, फंक्शंस को अगर आप देखेंगे तो बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा अगर देखेंगे तो इसकी अंडरस्टैंडिंग। अच्छा एक थोड़ा सा अगर काम दूँ तो क्या आप घर पे कर सकते हैं, 4.3 को ट्राई करना है आपने, 4.3 में ना ग्राफ ड्रॉ करना है फंक्शंस के, फॉलोइंग फंक्शंस ग्राफ्स में आपको सिखाए हैं, बाकी अगर मुझे सही होगी तो मैं आपको ग्राफ्स में हेल्प भी देती हूं। सो ये सिर्फ 20 तक है जी, 20 तक सवाल है क्या सर, 20 क्वेश्चन जी है ना बस इस एक्सरसाइज का, 20 है, चंद एक ड्रॉ करके देखें, ग्राफ ही बनाने हैं, उस ग्राफ आपको लीनियर तो सिखाए हैं, प्लस स्क्वायर वाले चंद एक पॉइंट बताओ जी, ठीक है सर, ठीक है, इसको ट्राई करेंगे और फिर एक रह जाएगा आपका वर्टिकल लाइन टेस्ट, कल इसको वाइंड अप करके ना हम चलेंगे आगे चैप्टर 5 पे, ठीक है सर, टाइम कम है लेकिन काम आगे देखेंगे, कोशिश करेंगे इसको वाइंड अप करने जल्द से जी, बस थोड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी आपको जी सर, क्योंकि जो अगला मटेरियल है थोड़ा सा लेंथी है, कल मैं हल्का सा उसको टच करके जो आपका एक्स का मटेरियल कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है, चलिए आज का पोर्शन तो निस्बतन हल्का फुल्का था, इतना जी इजी था जी सर, थोड़ी सी हिम्मत करें जरा और तैयारी को बेहतर करें, अगर कहें तो कल वाला मैं थोड़े से कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूं, जी सर बता दें, क्योंकि जब भी आपको ग्राफ ड्रा करेंगे ना, कल हमने जो चीजें सीखी है एडवांस आपको थोड़ा सा बता दूं, ज्यादा चीज को कल सीखनी है, एक तो आपने ग्राफ बनाना सीख लिया, अब फर्स्ट में आप मुख्तलिफ किस्म के ग्राफ ड्रा करते हैं, ठीक है, अगर ग्राफ है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ एक और स्क्रीन, ठीक है, एक और स्क्रीन शेयर करता हूँ फिर उससे बात करता हूँ, तो ये एक तो आप ग्राफ बकायदा ड्रॉ करते हैं ना, मेरे पास थोड़ी सी फैसिलिटी मौजूद है कि मैं जस्ट फंक्शन पुट करूंगा वो आपको ग्राफ बना देगा जी, ओके जी, लेट अस सपोज के अगर फंक्शन हमारे पास है स्क्रीन देखें शेयर होगी आपके साथ क्या नहीं, जी सर ग्राफ आ रहा है, ग्राफ आ गया जी, अच्छा अब इसमें फर्स्ट में y इज इक्वल टू है x के,
ठीक है जी, ये तो y इक्वल टू x का ग्राफ है, मैंने x स्क्वायर कर दिया। तो आप ये देखें ग्राफ कैसे है, ऐसा है ग्राफ अगर आगे कैसे बना जी सर, अब ये गोल यू शेप वी शेप है। अब अगर इसमें हम कोई वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं ना, यहाँ फर्स्ट करने को वर्टिकल लाइन देखते हैं यहाँ कोई ऊपर से नीचे की तरफ, तो वर्टिकल लाइन स्ट्रेट इसमें से पास करते हैं, ठीक है, तो इसको किसी भी दो पॉइंट में टच नहीं करेगी। तो लिहाजा ये एक ग्राफ जो है ये फंक्शन का ग्राफ, इसका ग्राफ है जी फंक्शन का। अब फर्ज करें एक और ग्राफ में लेता हूँ वाई इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ, आप देखें एक लाइन और बन गई, ठीक है जी, ये एक लीनियर ग्राफ, ठीक है, ये जो पहले वाला ग्राफ था वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का है, यानी क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ है, और अभी जो मैंने ड्रॉ किया ये किसका है, एक्स का, वाई इज इक्वल टू एक्स यानी लीनियर ग्राफ, ठीक है। अच्छा एक ग्राफ में और लेता हूँ, मैं कहता हूँ वाई इज इक्वल टू फंक्शन है हमारे पास वाई इज इक्वल टू है फाइव। अब आप देखें ग्राफ कहाँ बना है, स्ट्रेट स्ट्रेट ग्राफ, वो देखें तो ये कांस्टेंट का ग्राफ जी, ये किसका ग्राफ है, कांस्टेंट। अच्छा मैं एक और फंक्शन लेता हूँ, मैं लिखता हूँ y इज इक्वल टू है टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, ठीक है, इसका ग्राफ यहाँ इक्वल बता देता हूँ। अब जरा देखिए ये ग्राफ और बन गया, ठीक है, ये ग्राफ यू शेप में बन गया, बट ये ग्राफ पहले वाले ग्राफ वाली जगह पे नहीं है, यानी पहले वाला ग्राफ जीरो से स्टार्ट हो रहा था, ये थ्री से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि इस पे इंटरसेप्ट आपके पास थ्री आ गया। इसी तरह एक और ग्राफ में लेता हूँ, तो अगले आपने क्या करना है, सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करना है। अब फर्स्ट करें एक और ग्राफ हम लेते हैं, ग्राफ है जी x स्क्वायर, ये x के ऊपर पावर 2 मैंने डाल दी, प्लस y स्क्वायर, y के ऊपर पावर 2 और इक्वल टू मैं ले लेता हूँ 25। अगर आप देखें मैं जैसे 25 लिखूंगा तो एक ग्राफ बन जाएगा फॉरन जी, सर्कल बना है, सर्कल सर्कल बन गया, तो ये सर्कल की इक्वेशन है, ये किसकी इक्वेशन है, सर्कल सर्कल की इक्वेशन। मेरी बात को फॉलो किया आपने, अच्छा चलिए मैं एक और ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, मैं कहता हूँ जी एक्स स्क्वायर, ये जी है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9, फिर है दो दफा स्क्वायर लग गए, फिर मैं कहता हूँ जी हमारे पास फंक्शन है प्लस वाई स्क्वायर divided by let us suppose 4 is equal to have 1। अब आप जरा गौर से देखें तो ग्राफ फौरी बने जी सर, ग्रीन जी, ग्रीन से एक और ग्राफ बन गया, नो तो इसमें कोई फंक्शन की वैल्यू शायद मिस हो गई है, मैंने लिखा था x स्क्वायर 9, चेंज करता हूं, इट वाज x स्क्वायर 9 प्लस था y square over 4 equal to 1। जी चलो इस ग्राफ को इसने पिक नहीं किया, ये रैशनल ये एलिप्स करता किसका है जी सर, इसको इसने एलिप्स और डिवीजन को अंडरस्टैंड नहीं किया इसने जी, तो बहरहाल मैं ही कहता हूँ कि हम पॉइंट पुट करते जाएंगे और डिफरेंट किस्म के ग्राफ हमें फॉर यहाँ से होते चले जाएंगे, मुश्किल तो नहीं लग रहा। अब आपने क्या करना है, आपने चेक करना है ये फंक्शन है या नहीं है। अब मैं यहाँ से कौन सा ले रहा हूँ, ये ग्राफ में सारे ही खत्म कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं एक नया ग्राफ लूँगा, सिर्फ वो ऐसा ग्राफ होगा जो फंक्शन का नहीं होगा, जो फंक्शन बनाएगा फंक्शन नहीं होगा। अब मैं फर्स्ट करूँ यहाँ ले लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो आप यहाँ देखेंगे सर्कल बन गया,
तो अगर मैं इस पे को वर्टिकल लाइन गिराऊंगा ना ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की जाने पर लाइन लेता हूँ यहाँ पे पूरी पूरी लाइन ड्रॉ करूंगा, तो लाइन इस सर्कल को दो पॉइंट पे टच कर जाएगी। तो अगर कोई लाइन सर्कल को दो या दो से, यानी किसी भी ग्राफ को दो या दो से ज्यादा पॉइंट पे टच कर दे तो वो फंक्शन नहीं होता, इसे कहते हैं वर्टिकल। वो फंक्शन नहीं होता, वो फंक्शन नहीं होता। ठीक है सर, ठीक है जी। तो इसको अच्छी तरह करना है। कल ज्यादातर ये दो चीजें मैंने बताती हैं, अगर ये आप एडवांस कर लेंगे तो कल हम 5 मिनट शुरू कर रहे हैं। इसमें अगले एक्सरसाइज में है कुछ नहीं जी, ठीक है। ठीक है, अगर उसको हम थोड़ा ब्रीफली ले लेंगे कल इंशाल्लाह, तो आप उसको कर लें। राइट, ओके सर, ओके, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह जी, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।